सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर घूमते दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद 6 दिसंबर की सुबह शूटर रेवाड़ी स्टेशन पहुंचे, जहां से दोनों ने हिसार जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड पर यह बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें ये दोनों शूटर दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ का सीसीटीवी वीडियो है, देखिए इसमें ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि हत्या को अंजाम देने के बाद 6 दिसंबर की सुबह शूटर रेवाड़ी स्टेशन पहुंचे थे, जहां से दोनों ने हिसार जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। 6 दिसंबर का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये दोनों शूटर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ से इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इनका एक साथी भी गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हें जयपुर लेकर आया जाएगा, जहां पर इनसे पूछताछ होगी। लेकिन उसके पहले 6 दिसंबर को ये दोनों शूटर स्टेशन पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर ये दोनों नजर आ रहे हैं, और सूत्रों के मुताबिक 6 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। 5 दिसंबर को उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था जयपुर में, और उसके बाद वहां से अलग अलग लोकेशंस पर ये मूव करते गए। यहाँ पर अपनी पहचान छिपाने के लिए इन्होंने शॉल भी ओढ़ रखी है और टोपी भी पहन रखी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है ये बताया जा रहा है कि उन्हीं दो शूटर्स का है। हमारे सहयोगी दीपक विश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, क्या ये तस्वीरों में जो दो शख्स नजर आ रहे हैं ये वही दो हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था? ये बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि इन दोनों की जो सीसीटीवी फुटेज हम न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये फुटेज इन दोनों की 6 दिसंबर की है, जब ये सुबह के 4:17 के आसपास रेवाड़ी जो हरियाणा का रेलवे स्टेशन है वहां पर मूवमेंट थी इनकी। क्योंकि जब ये 5 तारीख को वारदात करके जयपुर से भागे थे, तो उसके बाद इन्होंने टैक्सी हायर की, उससे पहले सचिन नाम का एक शख्स मिला, उसके बाद सुजानगढ़ पहुंचे, फिर ये उसके बाद दारूहेड़ा पहुंचे और वहां से ऑटो लेकर रेवाड़ी पहुंचे थे। और पुलिस की टीमें लगातार अलग अलग राज्यों की इनके पीछे थी, हरियाणा पुलिस इनके पीछे थी, राजस्थान पुलिस थी और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल थी। ये जो फुटेज है इससे ये तस्दीक हो चुकी थी कि रेवाड़ी से ये हिसार जाएंगे, क्योंकि सुबह की जो ट्रेन थी वो हिसार पहुंचती है, और इसी वजह से इसी ट्रेन का पूरा ग्राफ तैयार किया गया था एजेंसियों के द्वारा, और उसके बाद पुलिस की टीमें वहां तक पहुंची थी, जिसके बाद चंडीगढ़ में इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों ने कैप लगा रखी है ताकि उनकी पहचान ना हो सके, और सुबह के वक्त में जिस वक्त ये दोनों की मूवमेंट हो रही थी उस वक्त ये आराम से चल रहे थे रेलवे स्टेशन में, क्योंकि इनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले लोग थे वो इनको लगातार मदद कर रहे थे, चाहे वो ऑटो के जरिए हो या गाड़ी के जरिए हो। और उसके बाद इनके प्लान में ये हिस्सा था कि ये रेलवे स्टेशन जाए और वहां से आराम से ट्रेन पकड़ कर हिसार जा सकते हैं, और हिसार में इन्हें उधम का मिलना था और वहां से उधम में आगे की पूरी प्लानिंग इनकी तरफ से की गई थी, लेकिन आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आए गए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।